रामनगर में हुई युवक की हत्या का महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने किया खुलासा। चार हत्यारोपी गिरफ्तार। सोमवार की सुबह कुछ लोगों द्वारा एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने चार हत्या आरोपियों को घटना के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को SSP पंकज भट्ट ने ₹5,000 इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ग्राम सेमलखलिया निवासी 26 वर्षीय भास्कर पांडे पुत्र स्वर्गीय महेश चंद्र पांडे का शव मोहल्ला खताई पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी के सरकारी आवास में बरामद हुआ था। मामले में मृतक के भाई उमेश पांडे ने कोतवाली पुलिस को अपने भाई की हत्या करने के संबंध में तहरीर सौंपी थी। इस मामले में गठित पुलिस टीम ने आरोपियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना का खुलासा करते हुए SP क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि मृतक भास्कर पांडे और आरोपी कौशल चिलवाल पुत्र राजेंद्र सिंह चिलवाल निवासी शांतिकुंज लखनपुर, हर्षित कोहली निवासी भवानीगंज, अवधेश सिंह जीना पुत्र शिव सिंह जीना निवासी हाल बाबूखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा अभी कश्यप पुत्र सुनील कश्यप निवासी हनुमान मंदिर के पास बम्बाघेर ने रविवार की रात अवधेश जीना के सरकारी आवास पर पार्टी के दौरान शराब पी थी। SP क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि कौशल चिलवाल व अवधेश जीना दोस्त हैं। अवधेश जीना के घर पर ही कौशल चिलवाल की भास्कर पांडे से दोस्ती हुई थी। 4 दिसंबर को अवधेश सिंह जीना ने कौशल चिलवाल को फोन कर पार्टी करने व उसके शिक्षा बोर्ड वाले सरकारी आवास पर मटन लाने के लिए कहा था, तो वहां हर्षित, भास्कर, अभिजीत उर्फ अभी कश्यप, अवधेश मौजूद थे, जहां फिर इन सभी लोगों ने शराब और मटन की पार्टी की, जहां खाने पीने के बाद भास्कर पांडे और अवधेश में बहस होने लगी। भास्कर पांडे अपनी स्कूटी की चाबी मांगने लगा, जिस पर इनकी आपस में बहस हो गई और भास्कर घर जाने की जिद करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और दोनों एक दूसरे को गाली देने लगे। इसी बीच यह 5 लोग नशे में थे और चारों आरोपियों की मृतक भास्कर पांडे के साथ बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर एक्सटेंशन बोर्ड की तार व बेल्ट से उसकी गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। SP क्राइम ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा हत्या का वीडियो भी बनाया गया। SP क्राइम ने बताया कि आरोपी कौशल के खिलाफ पूर्व में कोतवाली में 12 अभियोग पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है तथा आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। सर, अब ये एक मर्डर व हत्या हुई और आपके द्वारा इसमें जो तुरंत खुलासा कर दिया है, थोड़ा बताइए क्या था मामला? कोतवाली रामनगर का मामला है। आज सुबह डायल 112 पे ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा है और ये जो आदमी था, इसकी पहचान भास्कर पांडे के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों की ओर से जब तहरीर मिली है, उनके भाई उमेश पांडे ने जो तहरीर थी उस आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ कोतवाली रामनगर में। टीमें तुरंत गठित की गई और इस टीम के द्वारा आज दिन के अंदर ही 3-4 घंटे के अंदर ही इसका अनावरण कर दिया गया। इसमें जो शामिल 4 अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको मानिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इस पर घटना का कारण कुछ खास नहीं था। ये सभी दोस्त थे और इन्होंने शराब थी। शराब पीने के बाद इनका झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद आपस में जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो अवधेश जीना, जो कि बोर्ड का कर्मचारी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसके उसने फिर से अपने दोस्तों को बुलाया और बोला कि ये मुझे मार रहे हैं, ये जो मृतक है ये मार रहा है। इन्होंने आज मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसमें जो मृतक का मोबाइल है वो भूल में फेंक दिया गया था, उसकी बरामदगी की जाएगी। तो घटना का इतना छोटे का अनावरण हुआ है, इसके लिए SSP नैनीताल द्वारा ₹5,000 इनाम की घोषणा की गई।